अभी हमला करवाया है, दोबारा हमला करोगे? हम कोई भी हों, कोई भी हों, कोई भी हों, काम करो, अरे उन गुंडों का नाम बताओ जिनको भेज करके यहाँ पे बिना पेंडिंग कैसे तोड़ दिए? ना इसके है, इसके है गुंडा गुंडे करती नहीं, क्यों नहीं गुंडा क्या गुंडे करती नहीं, गुंडे करती नहीं, गुंडा करती नहीं, चलने दिया नहीं, कोई इसके नहीं है, जाइए कंटेंट फाइल करिए ना। लगातार चल रही है आक्रमण और भैया थोड़ा क्रिमिनल्स के जो मकान बने हुए अवैध रूप से ध्वस्तीकरण कराया जा रहा है, कार्रवाइयां चल रही है उसी क्रम में आज भी। विकास प्रयागराज विकास प्राधिकरण प्रशासन और नगर निगम आदि के द्वारा जो अतिक्रमण सार्वजनिक स्थलों और सड़क आदि पर जो अतिक्रमण हैं उनको हटाने और भूमाफियाओं के खिलाफ और क्रिमिनल जो बैकग्राउंड के हैं जो हिस्ट्री सीटर हैं उनके जो उनके द्वारा अवैध रूप से मकान आदि बनाए गए हैं और कब्जा किया गया है सरकारी संपत्तियों को, उनके खिलाफ जो लगातार सरकार की नीतियों के अनुसार जो कार्रवाई की जा रही है उसी क्रम में आज भी यहाँ सिविल लाइन्स में सुभाष चौराहे पर कार्रवाई की गई है, की जा रही थी। इसमें यहाँ का पूर्व पार्षद या जो भी हो बबलू फंटाइन नाम का एक अपराधी किस्म का व्यक्ति है जिसकी क्रिमिनल हिस्ट्री भी है, उसके द्वारा लोगों को अपने और साथियों को लेकर के यहाँ पर मेरे ऊपर अटैक किया गया, कार्रवाई में अवरोध उत्पन्न किया गया, उसी दौरान मेरे ऊपर अटैक किया गया, मेरे गनर को जो है चोट दिखा हुई चोट
चोट आई ये जेई को देखे, जेई को ये यहाँ पर चोट आई है। मेरा गनर जो है ये देखे, ये इनसे जो है इनका कार्बाइन छीनने का प्रयास किया गया और इनको जो है चोट काफ़ी चोटें आई हैं और अंदर भी चोटें हैं। इस तरीके से कार्रवाई रोकने का प्रयास किया गया और ईंट पत्थर से हमला किया गया और अपने लोगों में किसी को घायल करके अनावश्यक रूप से वो बनाने का भी प्रयास किया है और फिर भी कार्रवाई जो है उनको प्रशासन और पुलिस की मदद से इसको अवरोध को दूर करते हुए आज यहाँ सिविल लाइंस में जो अतिक्रमण किए गए थे ये गुमटियाँ सार्वजनिक स्थल पर रखी गई थी उनको हटवाया गया। इसमें मुकदमा निश्चित रूप से दर्ज कराया जाएगा, नहीं तो ऐसे लोगों का हौसला बढ़ेगा और जो कार्रवाइयाँ की जा रही हैं उसमें निरंतर अवरोध उत्पन्न करते रहेंगे, इसको दृष्टिगत ये कार्रवाई करना जरूरी है, किया जाएगा। छीनने का प्रयास किया गया है, ये टूट गया है, छोड़ दीजिए। और देखिए ये देखिए, हाथ दिखाओ, एक मिनट हो गया, ये यहाँ पे देखिए, यहाँ देखिए एक लटका हुआ है और अंदर जो आई होंगे छोटे हैं वो कहाँ गए, वो हाथ ऊपर रखिए, हम तो आप लोगों को हाई कोर्ट में देखेंगे मिस्टर, जो भी है आप लोगों ने जो किया है, कमिश्नर अभी तक केस पेंडिंग है, एडीए वहां लड़के यहां क्या आई थी, चलो जब फोटो खींच लेते, नाम नहीं बता रहे वही लगा। पत्थर चल रहा है, अगर कार्बाइन छीनी जा रही है, 20 सुबह चौराहे पे लोकल फोर्स को कुछ पता नहीं, सबने इंस्पेक्टर आपने सबने कह दिया कोई मौजूद नहीं था, सिंपल से बात को लेके आज सिविल लाइन थाना घेरा आप लोग ने। देखिए हम लोग व्यापारी हैं और निश्चित रूप से व्यापार करते हैं, आज सिविल लाइन व्यापार मंडल हमारे महामंत्री श्री अमित सिंह जो पूर्व पार्षद भी हैं और एडीए प्रशासन द्वारा किन्हीं दुकानों को तोड़ा जा रहा था, तो व्यापारी प्रतिनिधि होने के नाते उन्होंने इसकी जानकारी चाहिए कि आखिर ये किस वजह से दुकानें तोड़ी जा रही हैं और इसकी पूर्व पर कोई नोटिस आपने दी नहीं और हमारी बात को सुने, उसमें एक महिला है जिनकी दुकान है, उनके पास स्टे भी है, वो स्टे भी उन्होंने दिखाने का प्रयास किया लेकिन इतना भी समय न देते हुए और जिसे कहते हैं कि अपरियुक्तता का परिचय देते हुए बहस हुई लोगों में, व्यापारियों में आपस में, और उन्होंने लाठी चार्ज कर दिया जिससे जो महिला है उनके भाई का सर फट गया है, वो सीटी स्कैन करा रहा है और प्राइवेट हॉस्पिटल में उसका इलाज हो रहा है और हम व्यापारी तो खुद ही प्रशासन का जो है सहयोग करते हैं, अगर ऐसी कोई बात की तो आप हमारे व्यापार मंडल को आप हमें सूचित करिए, बताइए कि क्या दिक्कत है, हम चल गए, अगर कहीं हमारा व्यापारी गलत है तो हम उसको ठीक कराएंगे, ये का कोई अधिकार नहीं था मारने का और हम लोग ठीक उसको अपने ढंग से ठीक कराएंगे, लेकिन आप
तत्काल उस पर कार्रवाई करके आप लाठी चलाते हैं और व्यापारियों के ऊपर इस तरीके से, तो उसका हम विरोध करते हैं। और हम लोग तो खुद ही माननीय उच्च न्यायालय के नियमों का पालन कर रहे हैं, खुद ही शहर जो है सहयोग कर रहा है, सारे व्यापारी सहयोग कर रहे हैं, फिर इस तरीके से लाठी चलाने का क्या उचित है? आप थोड़ा सा धैर्य का परिचय देते हुए और मतलब खून बह जाए और ये सब वो अच्छा नहीं लगता है और नगर के लिए भी अपमानजनक है। और मैं तो बस यही कहता हूँ कि बहुत धैर्य का परिचय दें, इस समय कोरोना काल के कारण व्यापारी वैसे ही व्यतीत है, काम धाम एकदम बंद है, किस तरीके से वो अपने एम्प्लॉइज को सैलरी दे रहा है, कैसे बैंक किस्त दे रहा है, वो ऐसे ही बहुत परेशान है। और जिन स्थितियों में अगर आप इस तरीके से प्रशासन सहयोग नहीं करेगा तो व्यापारी बहुत दुखी हो जाएगा, व्यतीत हो जाएगा। मैं लालू मित्तल, महानगर अध्यक्ष, अखिल भारतीय उद्योग व्यापार।